Morning, all of you. Are you ready? Morning, ma'am. Okay. Today we will start about page number 26. We will start our page number 26. Chapter 3. The day with Nandu. Okay? I had already sent all in your previous class, okay? And I hope you all have been doing it, okay? So, open page number 26. Have you ever taken a ride on an elephant? How did it feel? क्या आपने कभी एलिफेंट राइड ली है? ली है? Raise your hand. Raise your hand. Okay. So answer is, आपको आंसर मैंने पहले से सेंड कर दिया है, okay? And I hope you all have been doing it. Yes, I have taken an elephant ride. It felt very nice. हम लोग सबने कभी ना कभी एलिफेंट राइड यानी कि एलिफेंट पर बैठ कर घूमा है और बहुत अच्छा लगता है. जब हम लोग बहुत मजे करते हैं जब हम उस पर बैठ के कोई भी राइड हम लोग लेते हैं, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, कोई भी राइड करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं ना. नेक्स्ट इज, व्हिच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन राइड देयर नेम्स? मोस्टली हम सब एलिफेंट, हॉर्स और कैमल में बैठे हुए हैं, ठीक है ना. बुलक कार्ट में भी बहुत लोग बैठे होंगे, है ना. यस मैम. नेक्स्ट इज, यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स अराउंड यू इन बुक्स, मूवीज. सम मे बी अलोन, सम इन ग्रुप्स. फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट. मैंने आप लोगों को डॉग के बारे में लिखकर भेजा था, स्वाइन डॉग के बारे में लिखकर भेजे थे, ठीक है ना. अगर आप उसको चेंज करके आप अपनी चॉइस का कोई एनिमल, किसके बारे में, किसके बारे में, नंबर 26 में हमने आप लोगों को आंसर किया था. आई हैव सीन डॉग्स अराउंड मी. डॉग्स आर वेरी ओबीडिएंट. दे गिव्स अस सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स. Dogs have four legs and they eat rice, honey, meat, etc. Dogs give birth to babies. Their babies are called puppies. I have sent you. Okay? ये हम देख चुके हैं आप लोगों को. अभी नोट नहीं किया है तो आप लोग, ठीक है, आपको कल करते हैं साथ में. Next is page number 27. Open your page number 27. Think and write. आप यहाँ देखते हैं पिक्चर, ये बफेलो की है और इसमें एक बर्ड बैठी हुई है. इसमें एक बर्ड बैठी हुई है बफेलो के ऊपर. इसका नाम है इग्रे. एक बर्ड है, इसका नाम है इग्रे. ओके, क्या नाम है? इग्रे. Why do you think that a crane is sitting on the buffalo? आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों बैठी हुई है? कोई एक बर्ड बफेलो के ऊपर बैठी है, क्रेन बैठी है, क्यों बैठी है? तो हम आंसर देंगे, क्रेन इज द फ्रेंड ऑफ बफेलो. इट ईट्स स्मॉल इंसेक्ट. जो क्या होता है ना, एनिमल्स होते हैं जैसे बफेलो, लाइक बफेलो, काउ, इन सब में कीड़े हो जाते हैं उनकी बॉडी में. अब उनके हैंड्स तो होते नहीं है कि वो उनको अपने से निकाल ले. तो ये जो बर्ड्स होते हैं, वो इस तरह के बर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्रेंडली होते हैं, ठीक है. ये हर जगह है. आप ऑन लैंड देख लीजिए, ऑन वाटर वाटर पे देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ पर एनिमल्स, एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स की इस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है. तो ये जो बफेलो है, वो इग्रेट जो बर्ड है, ये इसके ऊपर बैठती है. इसके शरीर में जो भी बॉडी में इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, ये खाती है, ठीक है. उससे क्या होता है, बफेलो को रिलीफ मिलता है और इग्रेट जो बर्ड है उसका भी पेट भर जाता है ना, क्योंकि उसके पेट खाना होता है.
होता है वो उसको खा लेती है, उसका पेट भी भर जाता है, और जो बफेलो और काफ होते हैं इनके बॉडी से वो कीड़े हट जाते हैं तो उनको भी नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो ये लोग एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट इज उसी के नीचे आज क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम। आपने इसी तरह से कभी कोई एनिमल के ऊपर बर्ड को या किसी दूसरे एनिमल्स को बैठे हुए देखा है क्या? तो यस, आप बोल सकते हैं कि द एनिमल्स विच इज राइडिंग, कौन सा एनिमल आपने देखा है, वो देखा है, किसके ऊपर देखा है, यानी बफेलो काउ इन सब के ऊपर बैठे हुए देखा है। विच एनिमल्स डू यू यूज फॉर राइडिंग, किस किस एनिमल्स के हम लोग राइडिंग हमने की है, हॉर्स एलिफेंट कैमल की। विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड। अच्छा ये बताइए, गुड मॉर्निंग मैम, बहुत ज्यादा सामान आपने देखा है, बहुत ज्यादा आपने ऐसे एनिमल्स को देखा है जो लोड को उठाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वजन को उठाते हैं, तो ऐसे भी एनिमल्स है ना, जैसे आपने देखा होगा हॉर्स को देखा होगा, मैम कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 27। ओके, सो नेक्स्ट इज यहाँ पर लिखा है, नेक्स्ट टॉपिक इज मेक योर ओन एलिफेंट। आप अपना एलिफेंट, आप अपना हाथी बनाएंगे, तो हम आपको एक बर्फ दे रहे हैं। ठीक है, ये इसका पेज आप, हाँ देखिए हम आपको पहले बर्फ दे रहे हैं, आप मेरे सुनिए फिर आपको पूरा बताएंगे बर्फ कहाँ करना है, बुक में करना है कि नोटबुक में करना है। ये एक पिक्चर है जिसमें एक एलिफेंट है, इसको कट करके एलिफेंट को इसी तरह से आप बना सकते हैं। पहला अगर आप कर सकते हैं तो विद योर पेरेंट्स हेल्प, आप अपने घर के एल्डर्स के हेल्प के साथ। ओके मैम, ये एलिफेंट है इसी को काट के नोटबुक में चिपकाना है? इसको नहीं काटना है बेटा, आप अपनी बुक करा कर लेंगे क्या? ठीक है, आप इसके तरह से पहले पिक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर उसी तरह से कटिंग करेंगे जहाँ जहाँ सीजर बना हुआ है कटिंग करने के लिए। आप बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, बटर पेपर के ऊपर रखिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा उसके जैसा, और फिर आप अपने पेज में ड्रॉइंग करके उसको कट कर सकते हैं। पहला ये प्रोसेस है, और दूसरा हम सिंपली आपको बता रहे हैं कि आप ड्रॉ करिए एलिमेंट की पिक्चर ड्रॉ करिए। ठीक है, और छोटे छोटे स्मॉल पेपर्स की पिक्चर, जैसे एलिमेंट की पिक्चर कहाँ कहाँ से मिल सकती है, मैगजीन से मिल सकती है, बुक से मिल सकती है, न्यूज पेपर से मिल सकती है, उनको आप कलेक्ट करिए। ओके, कलेक्ट करके जो आपने पिक्चर ड्रॉ करी है एलिमेंट की उसमें उनको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ किया एलिफेंट, लुक हियर ड्रॉ किया, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपके एलिफेंट की पिक्चर है आप उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है जो बुक में है वही एलिफेंट ड्रॉ करो? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और छोटी छोटी पिक्चर्स लेके उसको इनके ऊपर चिपका दीजिए उसी ड्रॉइंग के ऊपर, तो वो एलिफेंट का शेप बन जाएगा और वो एक तरह से कोलाज हो जाएगा। कोलाज जानते हैं, जहाँ पर छोटी छोटी पिक्चर्स को किसी एक जाता है, कोई आकृति दी जाती है ना, उसी तरह से आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है मैम, कोई भी तरह का एलिफेंट कट करके चिपकाना है? हाँ, उसके ऊपर आप कट करके कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। पहले ड्रॉ करिए उसका होमवर्क, आप पहले नोट कर लीजिए, मैं होमवर्क दे रही हूँ, ये आप अपना किसी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। मैम इसको नोट करना है मैम, प्लीज साइड साइड मैम इसको नोट
मैम इसको नोट करना है मैम दो दूसरे पेन में क्या करना है एक कोलाज बनाना है ठीक है एलिफेंट की पिक्चर को ड्रॉ करिए छोटी छोटी पिक्चर कलेक्ट करिए एलिफेंट की और साइड मैम प्लीज आपने ड्रॉ किया है एलिफेंट की छोटी छोटी पिक्चर कलेक्ट करना है जी उसको एक कोलाज बनाना है एलिफेंट की पॉइंट के ऊपर आपको उसको पेस्ट करना है तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा मैम प्लीज मैम टू एलिफेंट करना है आप लोग एक बार में सुनते हैं ना जब एक बार हमने बोल दिया फिर आप लोग बीच में क्यों क्वेश्चंस करते हैं वही क्वेश्चंस करते हैं हम आपको बता रहे हैं मैम टू एलिफेंट करना है मैम हमको समझ में नहीं आया हां ठीक है मैं बता रही हूं ना बेटा आप yes, क्या करना है पहले नोटबुक में एक एलिफेंट की पिक्चर ड्रॉ करिए कोई भी जैसे भी आपको करनी हो ठीक है डजंट मैटर कि वो जो बुक में है आपको वैसे ही करनी है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है जैसी आपको आती है आप एक एलिफेंट की पिक्चर ड्रॉ करेंगे और छोटे छोटे कलेक्ट करिए पिक्चर्स जैसे आप बुक से कर सकते हैं मैगजीन से कर सकते हैं न्यूज पेपर से कर सकते हैं जहाँ भी आपको छोटे छोटे मिल जाए अगर नहीं मिल रहा है तो कलर कर लीजिए नहीं मिल रहा है तो उसको कलर कर लीजिए अदरवाइज अगर मिल रहे हैं तो आप उनको उसको उन पिक्चर्स को उस एलिफेंट की ड्रॉइंग के ऊपर आप पेस्ट कर दीजिएगा ठीक है तो वो देखने में बहुत सुंदर कलर बन जाए जो पेपर होते हैं उसी से ना यस मैम ठीक है ना आप बनाकर देखिए पहले नहीं समझ में आएगा तो उसी से लगाएंगे मैम टीवी ड्रॉइंग भी बनाना है नोटबुक में बनाइए मैम अगर आप इसको बना सकते हैं तो आप इसको
अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन दे सकती है इसके बारे में, ठीक है, अगर बन जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 29, पेज नंबर 28 में क्या करना है मैम? पेज नंबर 28 में एलिफेंट की पिक्चर दी गई है, इसको कट करके एलिफेंट बनाना है। नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आपको बनाना है, बन जाए तभी बनाइएगा, और अपने पेरेंट्स की हेल्प या किसी एंगल के साथ तभी बनाइएगा, ठीक है? ओके मैम। नाउ नेक्स्ट पेज 29। Okay. Look at these pictures and read what these animals are sharing with their friends. Discuss these narratives sensitively in the class. ये जो आपकी ये यहाँ पिक्चर्स दी गई है कई एनिमल्स के बारे में, इन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है। इसमें भी एनिमल्स इस तरह से सोचते होंगे, वो हमें कितना सेंसिटिव होना चाहिए एनिमल्स के लिए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द बास्केट। यहाँ फर्स्ट है स्नेक की पिक्चर बनी हुई है, और वो उसपे कॉलम में लिखा है द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव। स्नेक बोल रहा है केवल एक बास्केट, यानी कि जो लकड़ी की बास्केट होती है वो मेरा घर है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। मैं भूल गया हूँ कि ओपन जंगल या खुला हुआ वातावरण क्या होता है, या खुली हुई फ्रेश एयर कैसी होती है, या ताजी हवा कैसी होती है। फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट एंड दिस स्नेक जार। केवल मेरे लिए केवल एक बास्केट है मेरा घर, और जो मेरे साथ है स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है। सपेरा क्या करता है, आपने सपेरे को देखा है ना? यस मैम। स्नेक चार्मर को देखा है ना? उसके उसके बास्केट होती है, उसके अंदर स्नेक होता है ना? यस मैम। लोगों का एंटरटेनमेंट करता है। मान लीजिए बास्केट में स्नेक जो ओपन रहते हैं, जानवर एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, जो उनका मेन घर होता है, ठीक है, वो उस घर में नहीं रहते और वो इस तरह से कैद रहते हैं, ठीक है, पिंजरी में बंद रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इज सेकंड पिक्चर है। You see me in circus, dancing and jumping, throw rings of fire. You clap and enjoy. Do you think that I also enjoy all this? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. बालू बोल रहा है कि आपने कुछ को सर्कस में देखा होगा, नाचते हुए जंप करते हुए इस तरह से, या किसी रिंग को आग जिसमें फायर रिंग होती है उसमें घूमते हुए देखा होगा। आप लोगों को अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि क्या मैं भी एंजॉय करता हूँ? अगर आप ऐसा सोचते हैं अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ना मुझे खाना मिलेगा और जो हमें ट्रेनर होते हैं वो हमें मारते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो। ये भालू अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है। ओके नेक्स्ट इज थर्ड वन इज हॉर्स। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माय शूज, डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स देन द हॉर्स टू माय बूट्स। आप देखते हैं हॉर्स बहुत तेज रन करता है, देखते हैं ना हॉर्स, लेकिन हॉर्स के लेग होते हैं, आप देखिएगा उसमें। मैम मॉल में बुक आ गई है। लगाया जाता है, ठीक है ना? तो कितना दर्द होता होगा, हमको एक इंजेक्शन लगता है या हमको कोई पिन चुभ जाता है तो हमको कितना दर्द होता है। और हॉर्स को दौड़ने के लिए उसको घोड़े की नाल लगाई जाती है उसके पैर में, और उसको हथौड़े और कील से मारा जाता है उसको। नेक्स्ट इज मंकी। दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन दैट टू।
बी एन एम्पटी स्टमक। जो हम लोग मंकी के डांस वगैरह देखते हैं, मदारी बंदरों को नचाते हैं, तो हम उनसे एंजॉय करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उस मंकी ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, है ना। नेक्स्ट इज कैट। म्यू म्यू म्यू। आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। चिल्ड्रन लव मी अ लॉट। दे पेट मी एंड आल्सो गिव मी मिल्क। जो जो कैट है वो बोल रही है मैं चारों तरफ घूमती हूँ, बच्चे मुझे पसंद करते हैं और मुझे पालतू के रूप में रखते हैं घर में। कैट एक पेट एनिमल होता है और वो मुझे मिल्क देते हैं। नेक्स्ट इज पिजन की है बुटर। बुटर को बुटर क्यू। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट मी फीड मी विद ग्रेन। जब हमारे आसपास चिड़िया होती है तो हमको क्या करना चाहिए, उनको ग्रेन वगैरह डाल देना चाहिए, जैसे राइस के या गेहूं के सीड्स वगैरह सब ये डाल देना चाहिए ताकि वो दाना देना चाहिए, दाना देना चाहिए, पानी रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा आप बताइए कि एलिफेंट को आपने कहाँ कहाँ देखा है, आप जानते हैं कहाँ कहाँ रहते हैं। मैं फॉरेस्ट। मैं जंगल। मैं फॉरेस्ट। मैं फॉरेस्ट। वेरी गुड। मैं सर्कस। मैं लायन। मैं फॉरेस्ट। मैं फॉरेस्ट। मैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जब आप नेशनल पार्क घूमने गए होंगे तभी आपने एलिफेंट को देखा होगा। जू फॉरेस्ट। मैं जू फॉरेस्ट। मैं सर्कस। नेशनल पार्क क्या होता है बताइए, जो फॉरेस्ट बोल रहे हैं बताए कि नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क क्या होता है। Do you know about national park? Man, June. Man, June. The big gates, okay. Just say forest. Man, June. Man, zoo. Man, forest. Man, Antarashtriya Park. Man, forest. Antarashtriya Park जो होता है, वो क्या होता है? आपको राष्ट्रीय पार्क पार्क बताएं वो क्या होता है? उसके डिटेल बता सकते हो? I'm
Animal with it moves in forest. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.